इस वाले एपिसोड का नाम है द फाइट इज़ ओवर। तो थैंक यू दोस्तों, पिछली वीडियो पे आपने 100 लाइक पूरे करा दिए थे और इस वीडियो का लाइक एम है 150 लाइक्स, तो प्लीज़ करा देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू और सेल की बहुत ही घमासान फाइट हो रही थी और गोकू उड़कर चला गया था हवा में। वहाँ उसने एक कामेहामेहा बनाई थी, लेकिन सेल को लगा था कि गोकू उसे नहीं मारेगा, लेकिन गोकू ने उसे बना लिया था और सेल ये देखकर हक्का बक रह गया था। और गोकू ने अपनी टेक्निक इस्तेमाल करके इंस्टा ट्रांसमिशन की ज़मीन पर आ गया था और उसे अपनी कामेहामेहा वेव मार दी थी, जिससे कि वो पूरा का पूरा तबाह हो गया था। तो अब आगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि हम डेली एक वीडियो लाते रहते हैं। तो हमें दिखाया जाता है जो गोकू है उसने अपनी कामेहामेहा वेव मारने के बाद ख़त्म कर दिया था सेल को। और सब के सब कहते हैं कि हे सेल ख़त्म हो गया। वेजिटा को गुस्सा आने लगता है कि इसने सेल को हरा दिया। और जो एंकर है वो कहता है कि अरे वहाँ क्या हो रहा है, पीले बाल वाला लड़का खड़ा है, वो नौसिखिया नहीं है ना मिस्टर सैटर्न। और वो देखते हैं कि जो सेल है वो मरा पड़ा है, उसका आधा शरीर ख़त्म हो गया है। और जो यामचा है वो कहता है कि हे तुम्हें क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो रहे, हम जीत गए, गोकू ने उसे हरा दिया। जो अपने पिकोलो है, गोहान है और बाकी सब योद्धा है वो बहुत ज़्यादा सीरियस खड़े होते हैं। और जो मिस्टर सैटन है वो कहते हैं कि अरे इस बंदे ने उसे हरा दिया, लेकिन अगर मैं सेल के साथ लड़ता तो मैं इसे उससे जल्दी हरा देता और मैं उसे बहुत ही गंदे तरीके से हराता। फिर जो एंकर होता है वो रिपोर्ट देने लगता है कि देखिए ये पीले बाल वाला योद्धा कौन है, इसने सेल को हरा दिया है और उसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। हम लोग कहते हैं अरे हम तो मिस्टर सैटन की फाइट देखना चाहते थे, पर ये कौन है। एक और लड़की बोलती है मैं इसे जानना चाहती हूँ, ये बंदा आखिर है कौन। गोकू जो है वो देख रहा होता है सेल को और फिर तभी जो क्रिलिन है वो चिल्लाता है गोकू पीछे हट जाओ, वो रीजनरेट होने वाला है। और फिर तभी जो सेल का आधा शरीर है वो खड़ा हो जाता है और ये देखकर बाकी रिपोर्टर वगैरह सब डर जाते हैं ये क्या हो रहा है। वो सेल का शरीर रीजनरेट होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा हिलने लगता है और अचानक से सेल का पूरा शरीर बाहर निकल जाता है और सेल कहता है सरप्राइज। और जो मिस्टर सैटन है वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, एंकर उन्हें कहता है इसके बारे में क्या कहेंगे आप मिस्टर सैटन, क्या ये भी उनके एक चाल है। हमें दिखाया जाता है जो पिकोलो है वो कहता है कि अरे उसने मेरी सेल से ये किया है, पर वो मरा क्यों नहीं, सिर पे चोट लगने की वजह से तो हम भी मर सकते हैं। जो सेल है वो कहता है कि अरे अब तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा कम हो गई है गोकू, पता है मेरी भी कम हुई है पर मेरी तुलना में तुम्हारी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, अब तुम लड़ने की स्थिति में नहीं हो। तभी गोकू इस पूरी स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और अटैक करता है सेल के ऊपर कि, और वो दोनों बहुत ही स्पीड से लड़ने लगते हैं और वो ख़तरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं और आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो भी टूटने लगते हैं। दोस्तों मैं ये फाइट सीन दिखाना तो चाहता हूँ, अगर मैंने ये दिखाया तो शायद मुझे भी ड्रैगन बॉल जी वाले टो एनिमेशन वाले यूट्यूब से उठाकर फेंक देंगे। तो हमें दिखाया जाता है जो बुलमा होती है वो आती है मास्टर रोशी के घर और आकर कहती है मास्टर रोशी मैं लेट तो नहीं हूँ, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। और इधर जो मास्टर रोशी है गोसे टीवी देख रहे हैं, गोकू ने गंदे तरीके से पीट रखा है सेल को और सेल ने पीट रखा है गोकू को, दोनों के बराबर की लड़ाई चल रही है। तभी जो सेल है गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और गायब होकर उसके पीछे चला जाता है, सेल उसके पीछे, फिर गोकू उसके पीछे और फिर सेल उसके पीछे। और ये देखकर जो पिकोलो है वो कहता है गोकू थक रहा है, वो ऐसी हालत में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जो गोहान है वो कहता है कि डैड मुझे बताया आपकी ताकत बहुत तेज़ी से कम हो रही है, पर प्लीज़ आपको लड़ना होगा क्योंकि आपके अलावा इसे यहाँ कोई नहीं हरा सकता। और गोकू की सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है और बहुत ज़्यादा थकने लगता है। और जो सेल है वो कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते। जो गोकू है बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और अटैक करता है उसके ऊपर और दोनों के दोनों बहुत ही स्पीड से लड़ने लगते हैं। तभी जो गोकू है बहुत सारे अटैक मारता है छोटे छोटे फेंक कर सेल को, लेकिन सेल अपने शरीर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकालता है और वो एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि वो जहाँ जहाँ जाती है वहीं से बिजलियाँ कड़कने लगती है। और जो मिस्टर सैटन है वो उड़कर बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं एक पत्थर पे और वो कहते हैं कि मैं वार्म कर रहा था सेल के साथ लड़ने के लिए ताकि मैं सेल को आसानी से हरा सकूँ। और वो एंकर और वो लड़की होती है उसकी तारीफ करने लगती है कि आप कितने महान हो। और इधर हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और उसके हमलों का अब कुछ असर नहीं हो रहा है सेल पर, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ जो वो एनर्जी का गोला बनाया है वो बहुत खतरनाक है। जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये आखिर बंदा है क्या चीज़, वो यहाँ हो क्या रहा है, ये गोला सा क्या है और वो पीले बाल वाला बंदा। फिर हमें दिखाया जाता है जो बूढ़े वो बुढ़िया बैठे होते हैं वो दोनों बात करते हैं कि अरे ये तुम्हें चीची के पति जैसा लगता है ना, चीची इसे पता नहीं कैसे झेलती होगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो चीची है उसे छींकाती है और वो कहती है हे गोकू जल्दी करो तुम उसे हरा दो, उसे हरा सकते हो। फिर हमें बुलमा दिखाई जाती है वो कहती है गोकू जल्दी करो अब तुम उसे आसानी से हरा सकते हो, तुमने उसे पहले भी एक बार ख़त्म कर दिया है। जो मास्टर रोशी है वो बताते हैं बुलमा को कि गोकू की ताकत अब पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, गोकू ने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी थी उस कामेहामेहावे में और उससे पहले उन दोनों की ताकत बिल्कुल बराबरी पर थी। जो गोकू है वो नीचे आता है और वो हाँफने लगता है। तभी सेल उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें मार दूंगा, वैसे
में तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें मारने से मैं टीवी पर मशहूर हो जाऊँगा, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ट्रंक्स होता है, वो कहता है क्रिलिन फटाफट सैंसोबिन दो, हमें सैंसोबिन गोकू को देना होगा, गोकू को उसकी ज़रूरत है। तुम्हें देखा ना सेल ने क्या कहा, तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तुम सैंसोबिन खा सकते हो। जो वेजिटा है वो कहता है तुम्हें कहते हो ना क्या करो, सबसे महान योद्धा है और एक सैयन कभी भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो एक महान योद्धा है, और एक महान योद्धा बीच में किसी के साथ धोखेबाजी बिल्कुल भी नहीं करता, और सबसे बेहतर तो यही है कि क्या करो ऐसे ही लड़ता रहेगा, और यही उसका खिताब है। और वैसे भी मैं कहना तो नहीं चाहता, वो हमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ट्रंक्स कहता है तो इसका मतलब क्या है डैड, तो वेजिटा बताता है इसका मतलब है मौत, क्या करो लड़ता लड़ता मर जाएगा। ट्रंक्स बोलता है कि डैड लेकिन हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्या हम उसे ऐसे ही देखते रहेंगे। जो वेजिटा है वो कहता है यही एक असली योद्धा होता है, सच्चा योद्धा, तुम ही कहते हो ना क्या करो सबसे महान योद्धा है, तो देखो अब उसकी महानता देखो। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो खड़ा रहता है और हाँफने लगता है। सेल है वो कहता है कि अब दुनिया को पता चल जाएगा असली चैंपियन कौन है, और वैसे भी असली चैंपियन बनने के लिए मुझे तुम्हें ख़त्म ही करना होगा। जो गोकू है वो कुछ नहीं बोलता, वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, अचानक से वो मुस्कुराने लगता है और वो अपनी एनर्जी कम कर लेता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ। जो बाकी सब बंदे होते हैं क्रिलिन है वो कहता है पर तुम कभी हार नहीं मानते, तुम हार नहीं मान सकते। जो गोकू है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, चैंपियन जो चैंपियन है उसका सच में सबको पता चलना चाहिए। वो कहते हैं क्या चैंपियन मतलब तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सब के सब ये सोंक जाते हैं कि पर गोकू हार क्यों मान रहा है। जो चीची है ये सुनकर तो बेहोश हो जाती है और बुलमा कहती है पर गोकू तुम हार क्यों मान रहे हो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।